अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आईटी फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग फॉसेट आपके एडमिन पैनल में सेटिंग किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग होस्टिंग वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से स्क्रिप्ट को अपलोड करेंगे। वो हमारा सारा काम मुकम्मल हो गया था और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम एडमिन पैनल के अंदर सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक आईटी फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसको लाजमी दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम डेली बेसिस पर ऑनलाइन अर्निंग से मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एडमिन पैनल में सेटिंग किस तरीके से करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले वाली वीडियोज़ वॉच कर ली होंगी और अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ वॉच नहीं की हैं तो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस चैनल के ऊपर आ जाना है। आईटी फॉर ऑल इसका नाम है और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉसेट स्क्रिप्ट। इसके अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप लोगों ने उनको एक दफ़ा वॉच कर लेना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जल्द रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो ये होस्टिंग वेबसाइट थी जिसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट अपलोड कर लिया था। तो ये जो वेबसाइट है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यह वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है और यहाँ पर यह वेबसाइट का URL है। तो मैं इसको कॉपी करके न्यू टैब के अंदर इंटर करता हूं और देखते हैं कि हमारे सामने वेबसाइट किस तरीके से ओपन होती है। तो ये देखें दोस्तों, वेबसाइट हमारी बन चुकी है और अब हमने वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है उसके अंदर मज़ीद सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए यहाँ पर ये देखें, नीचे एक एडमिन पेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। आपके सामने एडमिन पैनल खुल जाएगा और आप एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आए तो आप लोगों को जो पासवर्ड बताया था कि सेव रखना है, वो पासवर्ड लगाने के बाद कैप्चा टाइप करके लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहला जो टैब है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन का और बेसिक इन्फॉर्मेशन के टैब के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले चीज़ फॉसेट नेम, यानी आप अपनी वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये देखिए, वेबसाइट मैंने खोली हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉसेट इन ए बॉक्स। यहाँ पर भी है फॉसेट इन ए बॉक्स। आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आपको वही नज़र आएगा। तो ये देखिए, हमारी जो वेबसाइट है वो डोगी फॉर यू के नाम से है। तो मैं इसी डोगी फॉर यू को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारी वेबसाइट का नाम डोगी फॉर यू ही रहे। उसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अर्न अनलिमिटेड डोजी कॉइन फ्रॉम हेयर, मैंने ये डिस्क्रिप्शन टाइप कर लिया है। उसके बाद एक्सेस के अंदर सर्विसेज है और सर्विसेज के अंदर आप लोगों ने यहाँ से कोई एक पेमेंट प्रोसेसर चूज करना है जिसके थ्रू आप अपने यूजर्स को पे करेंगे। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सबसे जो बेस्ट है वो है faucetapp.io, तो आप इसी का इंतखाब करें। तो मैंने faucetapp.io को सिलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे है सर्विस API की। अब आप लोगों के पास faucetapp.io का अकाउंट होना चाहिए और ये जो सर्विस API की है ये आपको faucetapp के अकाउंट से ही मिलेगी। तो अगर आप लोगों को पता है कि faucetapp क्या है और उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मौजूद है। आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आकर प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और इस प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो मौजूद है
व्हाट इज फॉसेट हब, हाउ टू क्रिएट फॉसेट हब अकाउंट, ये आप लोगों ने वीडियो देख लेनी है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। तो यहां पर सर्विस एपीआई की देने के लिए मैं अपने फॉसेट आपके अकाउंट में चलता हूं और यहां पर आप लोगों को बताता हूं कि ये की हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। तो ये देखें, मैं अपने फॉसेट आप अकाउंट के अंदर लॉगिन हूं और यहां पर मैं क्या करूंगा, यूजर के ऊपर क्लिक करके फॉसेट मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा। जब आप लोग फॉसेट मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ये देखें ओवरव्यू ओपन हो गया है, वेलकम टू द फॉसेट मैनेजर। अब आप लोगों ने यहाँ पर यूअर फॉसेट्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी वेबसाइट यहाँ पर होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। मेरी एक ही वेबसाइट यहाँ पर ये देखें डोगी क्वाइन टू फ्लाई के नाम से है। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट ए न्यू फॉसेट के ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग क्रिएट ए न्यू फॉसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, एड ए फॉसेट ओब्लिक वेबसाइट। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का नाम एंटर करना है, तो नाम यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है डोगी फॉर यू, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ है वेबसाइट यूआरएल, यानी आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है तो मैं यहाँ से यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये दो काम करने के बाद आप लोगों ने एड फॉसेट के ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग एड फॉसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये देखें सेटिंग फॉर डोगी फॉर यू, आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एपीआई एक्सेस के अंदर एक आपको बटन मिलेगा शो एपीआई की, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें यूअर एपीआई की ऑफ दिस फॉसेट ओब्लिक वेबसाइट इज, ये जो रेड कलर के अंदर आपको एपीआई की नजर आ रही है इसको आप लोगों ने कॉपी करके यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर सर्विस एपीआई की के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ये की पेस्ट करने से अब जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पर आकर क्लेम करेगा तो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब नीचे जो है आप लोगों ने करेंसी के अंदर करेंसी सेट करनी है कि आपकी वेबसाइट से लोग कौन सी करेंसी अर्न करेंगे, तो मैं यहाँ से डोजी कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है टाइमर इन मिनट्स, यहाँ पर आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कितने मिनट के बाद यूज़र आपकी वेबसाइट से क्लेम कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 5 टाइप कर देता हूँ, 5 मिनट, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है रेफरल अर्निंग, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी यूज़र लोगों को रेफर करेगा तो उसको कितने परसेंट मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से परसेंटेज सेट कर सकते हैं। अगर 0 करेंगे तो रेफरल कमीशन निल होगा, यानी किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप 5% 10% जितना चाहें कर सकते हैं, मैं 10 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है इनेबल गेट रिवार्ड बटन आफ्टर सम टाइम, यानी होता यह है कि ये जो नीचे वेबसाइट के ऊपर रिवार्ड का बटन आता है तो वो रिवार्ड का बटन शो होने में कुछ टाइम कुछ सेकंड लेता है, तो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद वो रिवार्ड बटन शो होना चाहिए। जब यूज़र वेबसाइट के ऊपर आएगा तो उसको रिवार्ड बटन कितने सेकंड बाद शो होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 5 टाइप कर देता हूँ कि 5 सेकंड वो वेट करेगा तब रिवार्ड का बटन उसके सामने शो होगा। इसके बाद आप लोगों ने ये जो टिक है डिटेक्ट एंड ब्लॉक यूज़र विद एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर, इसको आप लोगों ने लगा देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन यूज़र ने एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वो ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने एड लगा कर इस वेबसाइट से अर्निंग करनी होगी, तो इस टिक को आप लोगों ने लाजमी लगा लेना है। और उसके बाद एक और चीज़ है डिसेबल एम्बेडिंग ऑफ यूअर फॉसेट इन आई फ्रेम, इसको आप चाहें तो टिक लगा दें, ना चाहें तो ना लगाएं, इसका कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी यूज़र अगर आप टिक लगा देंगे तो डिसेबल हो जाएगा, वो आपकी वेबसाइट को आई फ्रेम के अंदर एम्बेड नहीं कर सकेगा। अगर आप लगा देंगे टिक तो एम्बेड नहीं कर सकेगा, अगर नहीं लगाएंगे तो वो एम्बेड कर सकता है। उसके बाद रिवार्ड की बात आती है तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से रिवार्ड सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 50-50 स्टोशीज़ कर देता हूँ, आप अपनी मर्जी से जितना भी चाहें यूज़र को रिवार्ड दे सकते हैं। तो ये देखें जो बेसिक सेटिंग थी वो हमारी तमाम की तमाम कंप्लीट हो गई है, बेसिक सेटिंग। तो अब फॉर एग्जांपल बेसिक सेटिंग हमने जो कर ली है ये डन है, तो उसके बाद हम सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे।
तो यहां पर ये देखें नोटिफिकेशन आ गया है चेंजेस सक्सेसफुली सेव्ड। अब मैं आप लोगों को एक दफा वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो ये देखें जी सारी सेटिंग अप्लाई हो गई है। यहां पर ये देखें जो बैलेंस था वो आ रहा है, टाइमर हमने 5 मिनट का सेट किया था वो शो हो रहा है, वेबसाइट का नाम जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वो सारी चीजें अप्लाई हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी वेबसाइट में ये कैप्चा वाला जो टैब है इसके अंदर जो चीजें वो किस तरीके से सेट करेंगे। जब आप लोग कैप्चा की सेटिंग कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी, कोई भी यूजर इस वेबसाइट से क्लेम कर सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हुई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है आप लोगों ने, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक हमें सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट ज़रूर करना है। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।